बड़ी खबर आपको बता दें, जहां निकाय चुनाव में बीजेपी कांग्रेस झोंकेगी पूरी ताकत। मिशन 2023 के लिए बीजेपी कांग्रेस का पूरा जोर, जिला और जनपद पंचायतों में समर्थकों को जिताने पर जोर रहेगा। दोनों पार्टियों ने विधायकों को निर्देश दे दिए हैं, ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को जिताने पर जोर लगाएं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां निकाय चुनाव में बीजेपी कांग्रेस पूरी ताकत अब झोंकने की तैयारी कर रही है। मिशन 2023 के लिहाज से अगर देखें तो बीजेपी और कांग्रेस पूरा जोर लगाने की कवायद में जुट गई है। विशेष संवाददाता अनुराग मालवी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गया। अनुराग, जिस तरह से बात करें, अब तारीखों का ऐलान हो चुका है और तमाम हम देख रहे हैं कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस अपनी तरह से, हालांकि इसके पहले भी तैयारियां कर रही थी, लेकिन अब युद्ध स्तर पर तैयारियां जो है वो शुरू हो जाएंगी। निश्चित रूप से दोनों पार्टियों ने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया है या बड़ा काम किया है वो ये है कि विधायकों को जिम्मेदारी सीधे तौर पे सौंप दी है। संगठन से ज्यादा दोनों पार्टियां अपने विधायकों पे भरोसा कर रही है। बीजेपी में ये थोड़ा आश्चर्यजनक है क्योंकि बीजेपी संगठन के आधार पे चुनाव लड़ती है, पर इस बार पहली बार देखा कि मुख्यमंत्री हों, उन्होंने साफ तौर पर विधायकों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया और जिताने की जिम्मेदारी दी। और ऐसा ही नहीं, यहाँ तक के अंदर की बात कही जा रही है कि ये बकायदा लिस्ट मांगी जाएगी कि किन किन चेहरों को जनपद, जिला पंचायत और पंचायत में अपने अपने क्षेत्रों में विधायकों और मंत्रियों ने जिताया है, और उसी के आधार पर 2023 के टिकट का भी कहीं ना कहीं मूल्यांकन या रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको बहुत ध्यान में रखना होगा। तो ये कहीं ना कहीं ये समझने और सोचने की बात है कि विधायकों के लिए इस बार ज़्यादा भरोसा किया है बीजेपी ने संगठन की तुलना में। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस हमेशा संगठन से ज़्यादा अपने विधायकों पर भरोसा करती है। तो कमलनाथ ने भी विधायकों को कहा है कि बकायदा अपने उम्मीदवारों को अपने लोगों को मैदान में उतार के जिता के लाने की जिम्मेदारी तो है ही, ये जानकारी भी देना होगा कि कौन कौन आपके समर्थक है और इनकी परेड करवानी होगी, यानी जो जीत के आएगा उनको विधायकों को अपने साथ लाना होगा और कमलनाथ से मिलवाना होगा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, इस बार अपने अपने संगठनों से ज्यादा अगर ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव की बात करें तो अपने विधायकों पर भरोसा कर रही हैं दोनों ही पार्टियां। तो बिल्कुल देखना होगा, अब दोनों पार्टियों ने जिस तरह से विधायकों को निर्देश दिया है, क्या कुछ होता है निकाय चुनाव में, किस तरह से किसकी जंग होती है, जीत किसकी होती, हार किसकी होती है और किसका पलड़ा भारी रहता है। बने रहिए आप हमारे साथ।